जय श्री राम। और दोस्तों दीपावली आने वाली है जो कि 6 दिन रह चुके हैं, आज 6 तारीख है। तो भाई है ना, जब सारे घर चमकेंगे, सब घर पे लाइटें लगेगी, तो भाई अपनी राम प्यारी पे क्यों लगनी चाहिए ना। तो भाई आज अपनी राम प्यारी में ना भाई लाइटें लगाने वाली हैं। ये 4 लाइट लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो भाई एक तो अपनी है ना ब्रेक लाइट है ना, उसका जो होल्डर है ना ब्रेक लाइट का, बल्ब का, तो वो थोड़ा मिस्टेक करता, कभी जलती कभी नहीं जलती। तो उस होल्डर को हटा के डायरेक्ट अपन LED लगाने वाले हैं भाई, तो फटाफट से LED लगाते हैं ना, ठीक है। और भाई सीट कवर ख़राब हो चुका है बिल्कुल, तो भाई सीट कवर भी नया लगाएंगे इसके 1-2 दिन के अंदर, तो फटाफट से इसे खोलते हैं। तो दोस्तों भाई फटाफट से खोलते हैं अपन सीट खोल के और होल्डर निकालते हैं इसका। भाई दोस्तों टाइम लैप्स एंजॉय करो। और दोस्तों ब्रेक लाइट की भाई जो होल्डर है ना, ये अपने ब्रेक लाइट खोल चुके हैं, ठीक है। और ब्रेक लाइट का होल्डर है ना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक करता है इसका, कभी जलता है कभी नहीं जलता, तो इसलिए अपन इसको हटाने वाले हैं आज, ठीक है। और दोस्तों भाई ब्रेक लाइट खोलने के लिए देखो कितने तामझाम करने पड़ गए, ये खोलना पड़ गया, ये सब खोलने पड़ गए, क्योंकि इसके अंदर है ना भाई ये होल्डर में ना लॉक सिस्टम नहीं था, ये स्क्रू सिस्टम था, तो ये जो दो है ना स्क्रू कसे हुए थे, इसलिए निकल नहीं रहा था ये। अगर लॉक सिस्टम होता ना तो हाथ से घुमा के निकाल लेते, लेकिन भाई स्क्रू सिस्टम था इसलिए निकला नहीं, तो पूरे पैनल को खोलना पड़ गया। और ये हाथ, ये पीछे का जो ग्रैब रील होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये अपने खोल दिया भाई। मिस्त्री तो है नहीं अपनी, लेकिन राम प्यारी का खुद का काम खुद ही कर लेते अपन। तो फटाफट से इसमें LED लगाते पीछे में, ठीक है ना। और ये होल्डर है, इसको काट दिया अपन होल्डर को, ठीक है। अब इसमें वायरिंग है ना, करते हैं फटाफट से। और दोस्तों भाई ये देखो LED है ना, छीन लिया अपन ने तार ने, और पतले पतले तार लिए जो कि अपन इसमें तार में ज्वाइंट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ना तार निकल के आ रहा नहीं है, थोड़ा दिक्कत आ रही है। इसको ज्वाइंट कर लेते हैं वायर को, और फिर आपको जड़ा के दिखाते हैं। हमने तो जड़ा के देख लिया ऐसे। और दोस्तों इसे है ना इस तरीके से चिपकाएंगे भाई लाइट को, क्या इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये क्या आपको पहले है ना इसमें वायर डाल के पहले निकालना है, नहीं तो फिर उधर से आएगा नहीं। तो अपन ने ब्रेक लाइट जो है ना, ब्रेक लाइट भाई उसको है ना चालू कर चुके हैं, और आपको वायरिंग समझा देते हैं एक बार कैसे। भाई मिस्त्री तो नहीं आपका भाई, लेकिन फिर भी जुगाड़ करके कर ही दिया अपने। तो दोस्तों देखो ये आ रहा है अपने बैक लाइट का कपलर, ठीक है। ये कपलर आ रहा है यहाँ पे, ये जो दो वाइट से तार है ना, एक थोड़ा सा वो है स्लेटिया कलर का और एक वाइट सा, अब ये पता नहीं, हाँ एक वाइट सा है एक स्लेटिया कलर का। तो दोनों तार को अपन ने इसमें लगा दिया एक LED के तार में। और ये आ रहा अर्थ का, ठीक है, ब्लैक वाला, ये शायद अर्थ में लगा हुआ था, पेच में कसा हुआ था ये देखो। ये अपन ने एक वायर इसमें लगा दिया, तो अपनी देखो इससे है ना हेडलाइट से, जब हेडलाइट साथ जलेगी तो पीछे की ब्रेक लाइट भी जलेगी, ठीक है, जल गई। अब ये अपन ने हेडलाइट बंद करी तो ये बंद हो गई। अब ये देखो ये ब्रेक लाइट, ये ब्रेक दबाने से काम कर रही है अपनी लाइट, ठीक है। तो ब्रेक दबाने से भी काम कर रही है, और हेडलाइट चालू करेंगे तो भी काम कर रही है। तो इस तरीके से वायरिंग कर देना, तो दोनों LED देखो इधर दिखा ना, तो दोनों ये जो LED है वो चालू हो जाएगी, प्रॉपर वर्क कर रही है। और दोस्तों अभी इसे फटाफट से पैक करते हैं, क्योंकि भाई अपने काम धंधे का भी टाइम हो रहा है। तो आपका भाई ऐसे तो है नहीं कि YouTube से बहुत सारा पैसा आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा अभी तो फिलहाल में, लेकिन अपने पैसे की वजह से ना ब्लॉग नहीं करते हैं ना वीडियो बनाते हैं। और भाई बहुत बढ़िया राइड होने वाली है कुछ दिनों में, या तो अब देखते हैं ट्रेन से बस से या अपनी राम प्यारी से। तो भाई इसे फटाफट से टेप लगा देते हैं। और दोस्तों टेप अच्छे से लगा देना भाई, कंजूसा ही मत करना टेप लगाने के अंदर, क्यों अरुण, टेप लगाने में कंजूसा ही नहीं चलेगी। दोस्तों भाई अगर ना अपन इसको लाइट को सेट करते हैं, पहले इसको फटाफट से पैनल को कस लेते हैं, कसने के बाद में भाई अपन इसको डबल टेप से चिपका देंगे। फट से कसते हैं सारे पैनल को, जैसे खोला है ना वैसे कसना भी है, और अच्छे से फिटिंग कर लेना दोस्तों। और पैनल को कस देते हैं, कंप्लीट करते हैं, कर दिया। हाँ दोस्तों लाइट को अपन अच्छे से ना भाई साफ कर लेते हैं पहले, क्यों अंदर से।
चारों तरफ से अच्छे से साफ कर लेते पहले। और दोस्तों भाई इसकी जो 3mm की टेप है ना, इसी के ऊपर अपन अलग से 3mm की टेप और लगाएंगे ताकि इसका जो गैप है ना वो कवर हो सके अच्छे से। दिख रही है वीडियो? ऊपर अच्छे से ना भाई दबा दबा के और चिपका देना, एक बार चिपक जाएगी ना तो चिपकने के बाद में हटने वाली नहीं है। और दोस्तों भाई देखो लाइट जल चुकी है मस्त जगमगाट है, और लाइट का फोक्स बढ़िया है ना, बढ़िया फोक्स आ रहा। ये तो दिन का टाइम है, रात को देखना आप कितनी गजब की लाइट जलने वाली है। छोड़ दोस्तों, हो गए ना लाइट जगमगाट शानदार है। अभी दिन में इतनी तेज दिन में इतनी तेज जल रही है तो रात को कितनी तेज जलेगी है, हैं? रोशनी होने वाली है बढ़िया। तो भाई अपनी जो ब्रेक लाइट है ना वो जल चुकी है, एलईडी लगा चुके हैं अपन। तो भाई वायरिंग आपको बताई थी कि कैसे करनी है ताकि हेड लाइट से भी जले और ब्रेक लाइट से भी जले। बाकी 3 LED है अपने पास, तो नेक्स्ट वीडियो देखना भाई, क्योंकि अभी तो अपने को टाइम हो चुका है। कल दूसरा ब्लॉग बनाएंगे ना, उसके अंदर बताएंगे कि ये लाइट कहाँ कहाँ लगाते हैं। एक बार आप है ना कमेंट करके बताना मेरे को कहाँ लगानी चाहिए लाइटें। देखो दोस्तों ये तो यहाँ पे नीचे, ठीक है, पैनल पे, एक इंजन पे और एक यहाँ पे आगे, तो 3 लाइट लगानी चाहिए। नहीं क्योंकि भाई 3 लाइट लगाएंगे, एक पीछे LED, 4 लाइट। बैटरी पे तो फर्क पड़ता है, लेकिन दोस्तों अपनी बैटरी क्या काफ़ी हैवी है, और जो सेल्फ स्टार्ट बाइक है ना जिनमें सेल्फ है और बैटरी हैवी है तो वो भाई 4 LED लगा सकना, लगा लेना। बाकी देखो 4 की जगह 2 ही लगाना, मैं तो ये चाहता हूँ आप कि पीछे लगा लो 2 या पीछे 1 लगा लो, एक इंजन की तरफ लगा लो ताकि क्या बैटरी के ऊपर भी लोड नहीं पड़ेगा। और जिनके भाई की बाइक में सेल्फ नहीं है ना वो भाई मत लगाना, क्योंकि छोटी बैटरी आती है और बैटरी जल्दी ख़राब होने का डर रहेगा। बाकी भाई 4 साल अपनी बैटरी 36 महीने की या 24 महीने की गारंटी है, 24 महीने की वारंटी, मतलब 48 महीने की गारंटी वारंटी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो भाई क्या करना, लाइक शेयर कमेंट, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और हमारे भाई बच्चे हैं ना देख देख के हंस रहे हैं, तो भाई लेकिन कमेंट करके ज़रूर से बताना भाई कि लाइट है एक पीछे, एक इंजन की तरफ, एक आगे, तीनों लाइट लगानी चाहिए या 2 ही लगाएं पीछे और एक इंजन पे। तो ठीक है भाई, राम राम। और दोस्तों रात हो चुकी है और आपको दिखाते हैं भाई जो LED लगाई ना रात में कितना अच्छे से है ना रोशनी कर रही है। बहुत ही गजब की रोशनी हो रही है ना, ये देखो आप थ्रो नीचे, और इसके 4 इंडिकेटर भी जला देते हैं फिर कितना मस्त लगेगी अपनी रामदारी। और भाई इंडिकेटर अपने है ना 16 तरीके से जलते हैं भैया, 16 तरीके से।